स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरबिंदर होम पर। दोस्तों आज मैं आपको एक घर दिखाने जा रहा हूँ जो एक अच्छी लोकेशन पे है। आसपास के घर सारे बन चुके हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और घर जो हमारा भी है वो भी आज रेडी है, और घर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 138 गज के अंदर इसको घर को बनाया गया है, और फ्रंट एलिवेशन काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कई चीज़ों का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ मिलेगा, जैसे कि आप देखें फ्रंट वॉल के ऊपर भी आपको डिज़ाइन मिलता है, चाहे इसको सिंपल भी रख सकते थे। उसके अलावा जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, ऊपर भी आपको जो है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग के साथ ग्लास वर्क आपको मिलेगा, प्लस टाइल का जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो आपको पूरा प्रॉपर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा जब मैं इस यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ भी आपको स्टोन लुक्स के साथ टाइल मिलेंगी, ऊपर वुडन लुक के साथ मिलेंगी, बीच में एक अच्छी सी खिड़की। तो हर तरफ जो है डिज़ाइन को बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट जो है इसका 25 फुट का है, इसलिए काफ़ी अच्छा खासा उभर के बाहर आ रहा है। ये सनलाइट पूरी सिर के ऊपर है, लेकिन एक अच्छी लुक्स हमें पूरी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो हमारे पास जो है सामने की तरफ ये रैंप एरिया आया था, रैंप के साथ आपके पास छोटी सी पार्किंग एरिया यहाँ भी आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस गेट जो कि वुडन प्लस आयरन है, या फिर आयरन के बीच में आपको वुडन कह सकते हैं। और यहाँ लैंप्स भी हमने पिलर्स के ऊपर दोनों तरफ लगाए हैं जो आपके घर के लुक्स को और खूबसूरत बना देते हैं। तो कुल मिला के एक पूरे घर का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक मॉडलर लुक्स के साथ यहाँ पर तैयार किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों घर जो हमारा 138 गज है, 25 फिट का फ्रंट है, 50 फिट की इसकी डेप्थ रहती है, और यहाँ पर हम इसका गेट खोलते तो हमारी एंट्रेंस आ जाएगी जहाँ पर आपकी इजीली गाड़ी यहाँ पर लग जाएगी। घर के अंदर काफ़ी काम अभी बचा हुआ जो हो रहा है, तो इसलिए कहीं कहीं पर आपको सामान पड़ा हुआ नज़र आएगा, उसके लिए मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई भी तभी होती है जब आपके घर का काम जो है वो पूरा कम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ हमारी फ्रंट विंडो जो कि काफ़ी बड़ी है, इसके साथ वैसे टाइल वर्क आपको मिलेगा जैसे मैंने शुरू में यहाँ पर बताया था आपको। इसके बाद हम वापस अपने इस पार्किंग एरिया के अंदर, जहाँ पर आपको इस साइड पे कॉलम यहाँ पर नज़र आएंगे, जिसके अंदर आपको जो है लैंप्स लगे हुए हैं, जो शाम की तरफ अगर देखा जाए शाम के वक्त तो इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र आती है। छोटी सी स्टोरेज है आपके लिए जो यहाँ पर बनाई गई है, ताकि सिलेंडर है या पावर बैकअप है वो यहाँ पर आ सके, और स्टेयर्स आपकी बाहर से रहेंगी ताकि ऊपर वाले एरिया का आप पूरा प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर हमारे डोर्स हमें मिल जाएंगे जो कि वायर मैच डोर है, सिंपल है, एक अच्छी लुक हमें यहाँ मिल जाती है। पॉलिश के बाद दरवाज़ा हमारे पास है यहाँ पर, एक अच्छा हैंडल, चलिए ओपन करते हैं। और यहाँ पर हमारा आया था मेन एंट्रेंस डोर जो कि प्रॉपर पॉलिश किया हुआ वुडन डोर हमें यहाँ पर मिल जाएगा है 8 फिट का, और एक अच्छा चॉकलेट लुक्स वाली जो लुक होती है वो पूरी प्रॉपर आपको मिलती है। तो चलिए यहाँ से हम नज़र आते हैं इस तरफ जहाँ पर हमारा है ड्राइंग एरिया। आप ड्राइंग एरिया के लेंथ को देखिए, काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, 12 फिट की तो इसकी विड्थ ही मिलती है, बाकी इसके अलावा आपको एक अच्छी खासी लेंथ जो है वो पूरी मिल जाती है, पूरी प्रॉपर 22 फिट की लेंथ हमारे पास है यहाँ से वहाँ तक। आप फ्लोरिंग की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छी फ्लोरिंग यहाँ पर नज़र आएगी, और बड़ी सी विंडो जिसका नज़ारा यहाँ पर बिल्कुल अलग आ जाता है। इस तरफ जो है आपको एक अच्छा वॉलपेपर पूरा प्रॉपर यहाँ मिल जाएगा, और ये सामने की तरफ जो है आपको टीवी पैनल मिल जाएगा जिसके अंदर स्टोरेज भी पूरी प्रॉपर मिल जाती है। और थोड़ा सा मैं इधर घूमता हूँ तो हमारी किचन, तो एक अच्छा ट्रायंगल है यहाँ पर एल शेप के अंदर पूरा प्रॉपर आपको मिल जाएगा, कि वहाँ से आप नज़र यहाँ तक लाएँगे तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर आपका सोफ़ा है, यहाँ पर आपका डाइनिंग है, और डाइनिंग के बिल्कुल सामने आपका किचन है, और किचन की एंट्रेंस पे देखिए काफ़ी अच्छा खासा पैनलिंग काम यहाँ पर मिल जाएगा आपको, वुडवर्क बहुत अच्छा यहाँ पर किया गया है। उसके बाद आपकी किचन है जो कि एल शेप के अंदर है, और ये आपको 8.5x9 की आपको किचन मिल जाती है। डुअल टोन है, अच्छा टोन है यहाँ पर, हैंडल्स बड़े अच्छे यहाँ पर नज़र मुझे बिल्कुल यहाँ पर लगे हुए मिले। इसके अलावा आपका काउंटर जो कि प्रॉपर ग्रेनाइट है, टोन यहाँ पर भी डुअल मिलेंगे, अच्छे मिल जाएंगे। डबल विंडो है, डबल सिंक है, एक अच्छी किचन जो है वो हमें यहाँ बिल्कुल पूरी प्रॉपर मिल जाती है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। 14x12 के बेडरूम्स हमें यहाँ पर पूरे प्रॉपर मिलने वाले हैं। एक अच्छा वॉलपेपर आपको हर बेडरूम में मिलेगा जो आपके बेडरूम की लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। स्पेस अच्छी हो, थोड़े से कलर्स अच्छे हो, तो बेडरूम हो या कोई भी रूम हो उसकी लुक अपने आप बन जाती है। अंदाज़ आपको पूरे घर के अंदर ऐसा ही मिलने वाला है। एक अच्छी वार्डरोब जो कि सीलिंग की हाइट तक है, साइडेड डोर्स आपको मिल जाएंगे, स्टोरेज आपके पास यहाँ पर पूरी है, नीचे भी आपके पास स्टोरेज है, उसके अलावा लुकिंग मिरर आपको यहाँ मिल जाएगा, प्लस स्टोरेज यहाँ भी मिलने वाली है। ठीक आपके बेड के सामने आपको एक अच्छा सा टीवी पैनल मिलेगा, जहाँ पे अगेन स्टोरेज भी आपको मिलेगी, एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा जिसके ऊपर हमने लैंप भी लगाया, और एक प्रॉपर जिसे कहते हैं दूरी,
आपके और आपके टीवी के दरमियान वो आपको पूरी प्रॉपर यहाँ मिल जाती है। अच्छा लगता है जब आपके पास जो चीज़ें हैं वो पूरी प्रॉपर एक एक्यूरेट डिज़ाइन के साथ यहाँ पर तैयार की गई हो। सीलिंग एक अच्छा डिज़ाइन हमें मिल जाता है। उसके बाद जैसे देखिए विंडो से पूरी लाइट है, पूरी प्रॉपर लाइट आपके घर के अंदर आती है यहाँ पर। और ठीक इसी बेडरूम के साथ आपका जो वॉशरूम है वो भी आपको अटैच मिलने वाला है। काफ़ी चाहूँगा थोड़ा बहुत सामान आपको हर जगह आज मिलने वाला है क्योंकि अभी काफ़ी काम यहाँ पर पड़ा है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम अपने घर के सेकंड बेडरूम की तरफ। तो आपके घर का सेकंड बेडरूम भी वैसे ही आपको पूरा शानदार मिलने वाला है। 12x14 का आपका पूरा साइज़ यहाँ पर रहेगा। स्पेस अच्छी है, साइज़ अच्छा है, बस थोड़ा सा सामान अभी पड़ा, वो हम इसे निकाल देंगे। पिछले दिनों से एक अच्छा वॉलपेपर आपको मिल जाता है। डिज़ाइन देखिए वॉलपेपर के कितने अच्छे हैं, ऊपर के बाहर आते हैं कलर्स यहाँ पर देख के समझ आते हैं कि जब हम बेड लगाएंगे यहाँ पर कैसा भी कलर हो वो लुक्स अपने आप इसके अंदर मिल जाएगी और एक अलग ही रूम जो है वो यहाँ पर नज़र आने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारी वार्डरोब आएगी जो कि अगेन सीलिंग की हाइट तक है। स्लाइडर डोर्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, प्लस ग्लास आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप खड़े होकर अपने आप को निहार सकते हैं। प्लस अगेन इस रूम में भी आपको स्टोरेज के साथ एक टीवी पैनल अच्छा सा मिल जाएगा जिसके ऊपर लैंप हमने लगाया हुआ। तो दोनों रूम्स को एक अच्छे लुक्स के साथ यहाँ पर तैयार किया गया है और दोनों ही रूम्स के साथ आपको वॉशरूम अटैच मिल जाता है, जिन दोनों के अंदर ही हमने सामान अभी काफ़ी कुछ रखा हुआ है। हम ज़रूर इसको साफ़ सुथरा करके आपको देंगे। और यहाँ से बाहर आते हैं हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ। आप स्पेस देखिए कितनी अच्छी खासी है और बाहर से जो सनलाइट आती है उसकी तो बात ही क्या है। अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती है। हर रूम के अंदर आपको जो है एसी के वेंट्स की जो प्रोविज़न है वो पूरी प्रॉपर मिलेगी। और दोस्तों घर जो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेक्टर 125 मोहाली के अंदर है। एक अच्छा एरिया ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, बस आपकी रोड्स वगैरह जो है वो थोड़ी सी तैयार होनी बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको एक अच्छे रेंज के अंदर ये घर मिल जाता है तो ज़्यादा मुशक्क़त करनी नहीं पड़ती कि हमने घर लेना था लेकिन प्राइसिंग जो हमें समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पर वो हर चीज़ आपको समझ आएगी क्योंकि काम चल रहा है। तो आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से भी यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमारी स्टेयर्स है जहाँ पर ग्रेनाइट लगा हुआ है, प्लस आपके स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है। तो वैसे तो हर किसी को पता है सेक्टर 125 एक वेल नोन लोकेशन है जहाँ पे हर चीज़ हमें मिल जाती है। स्टिल मैं आपको बता देता हूँ ये एक ऐसा एरिया है कि आपके घर में या आपके घर से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको प्रॉपर स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, मार्केट हो, मॉल हो, सब्जी मंडी हो, वो हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका डिज़ाइन जो हमने फ्रंट में देखा था नीचे से, लुक्स आपको पूरी प्रॉपर यहाँ पर मिलने वाली हैं। अंदाज होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आसपास घर, ग्रीनरी, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के रूम की तरफ। वायर मैच डोर हमें फिर से मिलेगा, पॉलिश किया हुआ है। तो उसके बाद हमारा मेन एंट्रेंस जो कि वुडन है। ओपन करते ही हमारे पास जो है यहाँ पे छोटी सी लॉबी आती है जिसके साथ हमारा जो है किचन हमें मिल जाएगा। तो लुक देखिए आप क्या शानदार है। इस एरिया को रेंट आउट करो तो बहुत अच्छा आपको रेंटल मिल जाएगा यहाँ पर क्योंकि जो आईटी पार्क है वो घर के बिल्कुल पास है आपके। आप ये लगा लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं तो कुछ ही पलों में आप आईटी पार्क पहुँच जाएंगे सिर्फ 10 या 12 मिनट के अंदर। और अगर आप चंडीगढ़ का डिस्टेंस भी तय करना चाहते हैं तो वहाँ भी कुछ इतना ही टाइम लगता है। और ग्रेटर मोहाली एक ऐसा एरिया है जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है जहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो नोएडा, बेंगलोर से यहाँ पर आ रही हैं, सेटल हो रही हैं। बहुत सारे लोग भी इसलिए यहाँ पर आके सेटल हुए हैं। और जो ये सेक्टर 125 है मोहाली का, ये अपने आप के अंदर एक बिल्कुल अलग चीज़ है क्योंकि 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। तो जिस जगह पर 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही होती हैं तो वहाँ पर एक अच्छा बिज़नेस सेटअप हो जाता है। तो वो चाहे वो फास्ट फूड हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कैसी भी मार्केट हो, कैसी भी ज़रूरत हो, वो ये हर जगह रहती रहती है जहाँ पे ऑलरेडी 10,000 फैमिलीज हो। तो एक अच्छा वोट बैंक भी मैं इसको कह सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका ओपन एरिया जहाँ पर आप पूरी सनलाइट का पूरा मज़ा लेंगे। तो दोस्तों घर हमारा नॉर्थ फेसिंग था, 138 गज के अंदर बना हुआ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो हमें कभी भी किसी भी दिन। और इस वादे के साथ हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और खूबसूरत घर के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त लूँगा आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।